यूपीएससी के घोषित हुए परिणामों में धार जिले के बदनावर की बेटी संस्कृति सोमानी ने मेरिट सूची में 49वां स्थान प्राप्त कर धार जिले का देश में नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि जिला भाजपा अध्यक्ष मनु सोमानी की बेटी संस्कृति सोमानी ने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। घोषित हुए यूपीएससी के परिणामों की मेरिट सूची में संस्कृति ने 49वां स्थान प्राप्त किया है, जिससे जिले भर की भाजपाइयों सहित आम नागरिक में हर्ष व्याप्त है। संस्कृति सोमानी ने बनारस से आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 25 लाख रुपए के पैकेज वाली अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ यूपीएससी की तैयारी में लग गई थी, जिससे उन्हें आज सफलता मिली। संस्कृति सोमानी की प्राथमिक शिक्षा धार जिले के बदनावर में हुई। उसके बाद सन 2019 से दिल्ली में रहकर उन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की और दूसरे प्रयास में उन्होंने यह सफलता हासिल की। संस्कृति की इस उपलब्धि पर उनकी माँ किरण सोमानी ने कहा कि संस्कृति की यह सफलता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इससे भी बड़ी उनकी एक बेटी का होना है। वहीं उनके पिता जिला भाजपा अध्यक्ष मनु सोमानी के अनुसार संस्कृति की सफलता की सूचना उन्हें मीटिंग के दौरान मिली, जिससे खुशी के कारण उनकी आंखें भर आईं। सोमानी ने अपनी बिटिया की इस उपलब्धि पर फख्र करते हुए कहा कि किसी भी माता पिता के लिए अनमोल पल है। नमस्ते, मैं संस्कृति सोमानी, बदनावर जिला धार से। मेरा हाल ही में आए रिजल्ट में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में AIR 49 आया है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माताजी किरण जी सोमानी और मेरे पिताजी मनोज जी सोमानी, धार बीजेपी जिलाध्यक्ष, और साथ ही साथ मेरे पूरे सोमानी परिवार को देना चाहूंगी, और साथ ही बदनावर की जनता जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, मेरे स्कूल, मेरे टीचर, सबको इस सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। धन्यवाद। नमस्ते भाभी जी, आपकी बेटी आईएएस बन गई है, आपको कैसा लग रहा है? जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, एक माँ के लिए बेटी का होना ही बहुत बड़ी बात है, आईएएस बनना ही बहुत बड़ी बात है। आज मैं यहाँ धार में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति था, तो फ़ोन तो साइलेंट था, बेटी ने फ़ोन लगाया, मैंने उठाया नहीं। फिर कहीं से मैसेज आया कि फ़ोन उठाओ, क्योंकि पहले ऐसा पता था कि शाम तक रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आया तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये खुशी का क्षण हर माता पिता के लिए बहुत ही अविस्मरणीय रहता है। ये मेरे लिए ही नहीं, बदनावर के लिए, धार जिले के लिए और प्रदेश के लिए गौरवान्वित की बात है कि बदनावर की एक बेटी ने आज यूपीएससी में 49 रैंक बनाई है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बहनों को आगे करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके निमित्त ही मेरी दो बेटियां ही है, एक बेटी बदनावर में ही रहती है और एक बेटी, तो इस दोनों को पढ़ाने में मैंने शुरू से ध्यान दिया था, तो इसने पूरी ताकत से पढ़ा। इसने आईआईटी भी बनारस से की है, आईआईटी के बाद इसकी गोल्डमैन सेक्स में जॉब लगी थी, उस जॉब को छोड़ के 9 महीने जॉब करी और 2 वर्षों से यूपीएससी की प्रयास कर रही थी। ये इसका दूसरा इंटरव्यू था, इसके पहले भी फर्स्ट अटैम्प्ट में भी इंटरव्यू तक पहुँची थी और ये बना। इसके लिए मैं उन सब लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ जिन लोगों को उसको बनाने में सहयोग प्रदान करा है, उसको पढ़ाने में, उसको जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब एक कुमार मटका बनाता और सब लोग ठोकते हैं, तो कई लोगों का सहयोग उसमें प्राप्त हुआ है कि उसका ज्ञान का वर्जन बढ़ा है और उस खुद ने भी बहुत मेहनत करी है। मैं संस्कृति को भी बधाई देता हूं कि उसने धार जिले का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सोमानी जी, आप पूर्णकालिक जो है वो राजनीति करते हैं और बहुत कम देखने में आता है कि राजनेताओं के बच्चे इस तरह की इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, विशेषकर आईएएस जैसी एग्जाम में। तो किस तरह से आपने राजनीति को भी समय दिया और बच्चों की परवरिश को भी समय दिया कि उन्होंने इस तरह की सफलता हासिल? मेरे यहाँ जो बच्चे हैं, मेरी जो धर्मपत्नी है किरण सोमानी, उससे पूर्ण अटैचमेंट में रखता हूँ, एक खुल के बात कर ले, और उनकी जो पढ़ाई के मामले में जो सुख सुविधा है उसके लिए मैं ज़रूर इंतजाम करके, बाकी वो कोटा भी रही शुरू एलन, तो मेरी धर्मपत्नी, उसकी माताजी 6-6 महीने तक वहाँ रही, क्योंकि शुरू जब घर छोड़ते हैं तो रोना आता है, कई बार खाना अच्छा नहीं मिला तो रोना आता था, तो उसकी मम्मी जाती थी, समझाती थी, पर उसने लक्ष्य बनाया था और उसकी मम्मी ने भी लक्ष्य बनाया था कि तेरे को कुछ के बन के करना है, जिस प्रकार से पापा सामाजिक कार्य में यहाँ काम कर रहे हैं, तू ऐसे क्षेत्र में जा और समाज में और देश में मान बढ़ा, यही इच्छा माता पिता की थी, तो वो उसने पूर्ति करी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।